भाई जब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर भी आपकी वार्ता हुई है, इसमें क्या निर्णय लिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 8 बजे वार्ता के लिए बुलाया था, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली मंच का 1180 प्रतिनिधिमंडल गया था। 30 मिनट की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई और हम लोगों ने अनुरोध किया कि माननीय प्रधानमंत्री से वार्ता करके और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों को जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल करें, इस पर उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया और लिखित में पत्र भी दिया कि प्रदेश में एक 8 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है, जिसमें 6 IAS अफसर हैं और उसमें मैं भी हूँ। हमारी जो पुरानी पेंशन बहाली मंच है उसके संयोजक श्री हरकिशोर तिवारी जी भी हैं कि वो 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और हम लोगों से जो हमारी हड़ताल प्रस्तावित है उसको समाप्त करने का भी लिखित में उन्होंने अनुरोध किया है। तो हड़ताल भी समाप्त, अभी हड़ताल समाप्ति का निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि आज 2 बजे कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली मंच के जितने भी संगठन हैं उनके प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री सब लोग रहेंगे, उसके बीच जो अब तक की कार्रवाई है वो रखी जाएगी और जो कार्य समिति निर्णय लेगी उस आधार पर निर्णय लेगी। अपना नाम बता दें। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली मंच।